आने वाले 2024 के जो कार्यक्रम आ रहा है, कार्यक्रम बना लो, हम आपके साथ हैं। लोगों को इतना जला जगा दिया है, इनका बाप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, संविधान को इनका बाप नहीं बदल सकता, ये पार्लियामेंट में बैठने वाले इस संविधान को नहीं रोकेंगे। हम लोग हैं जो गांव में रहते हैं, खेड़े पाड़े में, वो रोकर इस काम को रोकेंगे और हम इस संविधान को कभी भी नहीं बदलने देंगे। मेरे से पूर्व लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और अपना विचार आपके समक्ष रखा। आज कहीं मीटिंग में थोड़ी देर में करूंगा। हम लोगों का ये बहुत ऐसा समय चल रहा है पूरे देश में, मुझे करीब 50 वर्ष समाज का काम करते करते हो गए। आज मेरी 76 वर्ष उम्र है। 25 वर्ष की एज में बहुत भिक्षु बना, एमए किया, डबल एमए किया। मेरे भी माताजी पिताजी थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और हम जब पढ़ने जाते थे तो हमारे साथ भेदभाव होता था। मेरी माँ 8 पास थी, मेरी माँ ने कहा यदि तू इस लायक हो जाए तो एक कॉलेज खोलना, और मैंने अपने माताजी पिताजी की यादगार में अपने गांव में एक CBSE बोर्ड का इंटर कॉलेज खोला। और मैंने सोचा ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए है जो गरीब बच्चे हैं, जो बेसहारा और लाचार हैं, जो आर्थिक स्थिति कारण पढ़ नहीं पाते हैं, मैं उनको कुछ दे सकूं। मैंने अपना पूरा जीवन बहुत भिक्षु जीवन में गुजारा। शास्त्री जी आपको बता दूं कि देश का जो ढांचा है, जो सामाजिक ढांचा है, इतना अड़ियल और सड़ियल है कि उसमें हजारों साल से कोई परिवर्तन नहीं आया। कबीर चले गए, रैदास चले गए, गुरु नानक चले गए, अंबेडकर चले गए और रामास्वामी नायकर चले गए, लेकिन यहाँ अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। और कहने का मतलब यह है, हमारे कई मंत्रालयों में हमारे जगजीवन राम जी ने काम किया, लेकिन आपके ही बनारस में संपूर्णानंद की मूर्ति को ढो डाला। आज किसी के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, किसी को जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी को घोड़ी पर छड़कर बरात नहीं छड़ाने दी जाती है, किसी को कत्ल हो रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहन कर जा रहा फाड़े जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? जब से मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हरेक पार्टियां अपने गुर्गे रखती हैं, और वो गुर्गे इस बात के लिए रखती हैं कि उस समाज की जो बात है उसको डाइवर्ट करें, मिसगाइड करें, प्रोपोगंडा करें। ये मुंह पर मुंहता जा रहा है। आप जान रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं जोशी जी और केपी चौधरी जी, यहां पर जुल्म की उम्र जब तक कम नहीं हो सकती, जब तक यहां जातिवाद है और उम्र की कम्र जब तक नहीं हो सकती, यहां के चार बड़े स्तंभ हैं जिस पर देश चलता है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और ये मीडिया। मीडिया में क्या तुम्हारे लोग हैं सबसे ज्यादा अग्रवाल और बनिया बैठे, और उस मीडिया के पत्रकार सारे के सारे ब्राह्मण बैठे। जब से ये मीडिया आया है तब से हमारी बात लोगों के पास पहुंची है, चाहे तो सम्मू सिंह जी हो, चाहे नागपाल जी हो, चाहे हमारे एमएन जी हो, चाहे अन्य लोग हो, वो हमारी बात को हजारों मील दूर तक अमेरिका, लंदन, फ्रांस में हमारी बात को सुन रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो भूखे और नंगे पर समाज से आए, लेकिन हम इनको भुला लेते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा भी योगदान नहीं देते हैं और ये ऐसे कैसे चले जाते हैं। ये
जब तक यहाँ पर न्यायपालिका में तुम्हारे लोग नहीं होंगे, जुल्म बंद नहीं होगा, सही निर्णय नहीं मिलेगा। जब तक आपके विधायिका में पार्लियामेंट में लोग नहीं होंगे, पार्लियामेंट में वो पट्टा बांधने वाले जैसे कुत्ता को पट्टा बांध देते हैं और जा कुत्ते रखवाली करना गेट पर जाकर, ऐसे वो एक भी आदमी, कोई भी आदमी नहीं बोलता है। यहां पर डिमोशन हुआ, कितने लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया। यहां पर मनीषा के साथ बलात्कार हुआ, कितने लोग पार्लियामेंट में बात उठाई। यहां पर विजेंद्र मेघवाल की मूछ काट कर उसे मार दिया गया, कितने लोगों ने आवाज उठाई। इंद्र मेघवाल को मार दिया गया, कितने लोगों ने आवाज उठाई। वहां पर 132-133 लोग बैठे, वहां आवाज क्यों नहीं उठी कि वहां तुम्हारा आदमी एक भी नहीं था। वहां पर वो लोग थे जिनके गले में पट्टा बांध दिया गया है। पार्लियामेंट में यहां पर जुल्म होता है, यहां पर तुम्हारे डिमोशन किया जाता है, यहां पर सरकारी उपक्रमों को बेचा जाता है। आप लोग आज जो आगे बढ़े, ये 5-स्टार होटल के लोग में हम पार्टी कर रहे हैं, हम कोई गांव में नहीं कर रहे। मैं इस पार्टी को एक अच्छी जेंट्री, पढ़े लिखे लोगों की जेंट्री, हाई फाई जेंट्री मानता हूं जो हम यहां बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को पूछो जो गांव में रहता है, खेड़े पाड़े में रहता है, जो अपनी बेटी को बिना किवाड़ लगाए रहता है, जो आदमी अपना गांव में रहकर मेहनत करके अपना पेट भरता है, उन लोगों को पूछो। मैं गांव में रहता हूं, मुझे मालूम है वहां पर क्या होता है, और आज भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरा कहने का मतलब यह है, चौधरी जैसे लोग और हमारे ओपी सागर जैसे लोग, यार जोशी जैसे लोग, जब तक अच्छे वक्ता, अच्छी बात रखने वाले पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, आप चाहे कितना भी प्रदर्शन करते रहो, कितनी भी मीटिंग करते रहो, उसका कोई फल निकलने वाला नहीं। यहाँ पर बड़ी बड़ी भीड़ें होती हैं, जंतर मंतर पर मैं देख रहा हूं 48 साल से, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। तुम्हारे एजेंडा को जो तुम देते हो मेमोरेंडम, उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लोग नहीं है। न्यायपालिका में तुम्हारे लोग नहीं है, कार्यपालिका में तुम्हारे लोग नहीं है, तुम्हारे आईपीएस आईएएस जो हैं, लेकिन उनको ऐसी जगह बिठा दिया गया है जो एक भी की पोस्ट पर नहीं है, जो कोई भी काम नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, 2024 में जो आ रहा है कार्यक्रम, और ये धीरेन्द्र शास्त्री को मैं नागपुर में पकड़ा, धीरेन्द्र शास्त्री से मैंने कहा रुको महाराज, मैं आपकी सभा में आया हूं, मेरे साथ 1500 लोग और थे, उसकी मीटिंग नहीं हो पाई। मैंने कहा आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तुम्हें एक गांव तो हिंदू बना दो, ये राष्ट्र की बात तो अलग है। एक भी गांव में हिंदू नहीं मिलेगा, चमार मिलेगा, धोबी मिलेगा, काहार मिलेगा, लोहार मिलेगा, सुनार मिलेगा, काछी मिलेगा, तेली मिलेगा, पासी मिलेगा, अहरवार मिलेगा, संगवार मिलेगा, जाटम मिलेगा, राजपूत मिलेगा, छत्र मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, लेकिन एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। हिंदू का क्या मतलब तुम कहना चाहते हो? लड़ाई मुसलमानों से हो तो सब हिंदू हैं, मंदिर बनने का काम आए तो सब हिंदू हैं, जब रबड़ी खाने का काम आए तो जातियों में बंट जाते। जब मंदिर में उमा भारती जी को मैंने देखा, वो दूर जाकर बैठी थी, कल्याण सिंह कहते थे कि मैं 100 बार फांसी के तख्ते पे लड़ूंगा, एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के आदमी को वहां के न्यास में, वहां के ट्रस्ट में एक को भी नहीं रखा गया, और ये मरे जा रहे हैं। मंदिर बनाएंगे, वहीं मार खाएंगे, जूते चप्पल खाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाते रहो। केवल यहां एक कौम है जो बिना करे धरे, वो ब्राह्मण है, और जब तक सबसे बड़ा हिंदू ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य तीन है, बाकी शूद्र जो है 6743 जातियां, वो हिंदू नहीं है, वो शूद्र हैं। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 2024 के जो कार्यक्रम आ रहा है, कार्यक्रम बना लो, हम आपके साथ हैं। आज हमारी उम्र 76 वर्ष हो गई है, हम जमीन पर काम करते हैं, हमने लोगों को इतना जगा दिया है कि इनका बाप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, संविधान को इनका बाप नहीं बदल सकता, ये पार्लियामेंट में बैठने वाले इस संविधान को नहीं रोकेंगे। हम लोग हैं जो गांव में रहते हैं, खेड़े पाड़े में, वो रोकर इस काम को रोकेंगे, और हम इस संविधान को कभी भी नहीं बदलने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ केपी चौधरी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। 2006 के बाद मैं आज मिला हूँ
केपी चौधरी जी को 2006 में जब 30 वर्ष पूरे हुए थे, ए आर जोशी जी ने, और इन्होंने मुझे एक गाड़ी दी थी।